कुरान, अरे संविधान कह रहे हो, कुरान सबसे पहले, कुरान सबसे पहले, हमारा कुरान पहले, संविधान से पहले भी पहले कुरान है। अच्छा, देश पहले या कुरान? क्यों देश पहले या कुरान? मैं क्या कर रहा हूँ, इस्लाम के लिए सबसे पहले कुरान है। समय आने पे दिखा दूंगा, इनके आगे कोई संविधान विधान कुछ नहीं है, ये केवल अपने धर्म के हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, मुसलमान हमेशा शान से रहा, शान से रहेगा हमेशा। तुम गीता को नहीं मानते? तुम मैं गीता को मान रहा होता मानते नहीं, तो ईंट का जवाब पत्थर से देता। तुम गीता, और अगर आप कहोगे कुरान को, तो फिर भैया मैं भी महाभारत और गीता पे आ जाऊंगा। के अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। गीता को मानते हो? मैं पहले संविधान मानता हूँ। पहले गीता को मानते, पहले संविधान। धर्म के जैसे आप गीता को पहले पूछते हो? पूछता नहीं भाई, नहीं पूछता। एक मिनट रुको भैया, पहले संविधान या गीता? पहले संविधान। ओए भैया मुल्ला जी, पहले सुन लो, पहले गीता या संविधान? संविधान। पहले गीता या संविधान? संविधान। पहले गीता या संविधान? संविधान। ये भटकाने वाली बात है। दो लाइन कह जाता हूँ, अरे यार कुछ भी हो जाए, ये नहीं होंगे सगे किसी के। क्या घर में ठीक करो, अपने घर ठीक करो, फिर दूसरे के ऊपर उंगली करो। हाँ, इराक का क्या हो रहा है? मोए मोए, एक बात सुन लो, पाकिस्तान जो है ना, तालिबान, पहले बात, उनकी हालत ऐसा हो गया। गीता है या संविधान है? संविधान है भाई। ये कह रहे कुरान है? कैसे कुरान है? मैं नहीं बोला, किसने बोला? झूठ मत बोलो, कुरान किसने बोला? झूठ बोला। मर्जी खा ले हमारे देश का, मगर ये कुरान ही बोलेंगे। देश में क्या माना जाएगा? मुसलमान के लिए सबसे पहले कुरान है, अभी तो बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान के संविधान की, हिंदुस्तान के संविधान की, बाबा साहब अम्बेडकर की। अब बोलो, पकड़ना भाई साहब, ये भारत का संविधान है। आप मुस्लिम, मैं हिंदू, साथ रह रहे दोनों देश के नागरिक है। सही बात। आप संविधान पहले मानोगे या कुरान पहले मानोगे? जो संविधान के अंदर ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा, हम क्यों नहीं मानेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। बोलो बाबा साहब अम्बेडकर की। अब बताओ, आप संविधान पहले मानोगे या कुरान पहले मानोगे? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान। क्या संविधान? चंद्रशेखर रावण कह रहे संविधान, मगर फिरकी ले रहे हैं मुल्ला जी। तो मैं कंफ्यूज हूँ, आज मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान अपने ही बहुमूल्य पैसों से खरीदा, अपने पैसों से। एक बार बता दीजिए, संविधान या कुरान? फिर मैं भी जवाब दूंगा, संविधान या कुरान? कुरान। लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, सुन लीजिए पहले। नहीं नहीं नहीं, बात इनको दे देना, ये पढ़ते रहेंगे। अगर ये पढ़ ले, कह रहे हैं आपके लिए पहले कुरान है या संविधान? तो आप हेलो हेलो, कंफ्यूज मत हो, बता दो भाई साहब। बुरा नहीं, नहीं, बुरा मानने वाली बात क्या है? अगर देवबंद का मौलाना बुरा ना मान जाए? नहीं, क्यों बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं तो खरीद के लाया भाई साहब अपने पैसों से, और मैं बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद बोलता रहूंगा जब तक जिंदा हूँ, क्योंकि मैं रहते हैं। एक बार जवाब नहीं आया, क्या वो पूछना? कुरान या संविधान आपके लिए क्या पहले? हमारा मजहब से सबसे पहले कुरान है। लो भैया, हमारा मजहब में पूरी बात सुन लो, हमारे नहीं नहीं, हाथ दिखाओ। अम्बेडकर का संविधान है, जिसको राहुल गांधी मानता है, जिसको संसद मान रहा है। क्या संसद मान रहा है? आज तीन दिन से नरेंद्र मोदी के काम को रोक के वहां पर इसकी किताब को लेके घूम रहे हैं, और आज ओवैसी कह रहे हैं फिलिस्तीन। ओए तू आगे मत बोलियो। ओके, तो मैं भी डंके की चोट पे कहता हूँ, मेरे को संविधान इजाजत देता है इजराइल, 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 क्योंकि संविधान में लिखा है। वो भी तो कहते हैं जय भीम और जय भीम। अब सुनो, जय भीम तो मैं भी बोल रहा हूँ। अब मेरे से पूछो कि आप पहले किसको चुनोगे? पूछो, आप पहले किसको चुनोगे? भारत माता को, संविधान को। और अगर आप कहोगे कुरान को, तो फिर भैया मैं भी महाभारत और गीता पे आ जाऊंगा। मैं यही चाहता था, क्योंकि इनके अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। अंदर क्या? तुम गीता को नहीं मानते? तुम मैं गीता को मान रहा होता मानते नहीं, तो ईंट का जवाब पत्थर से देता। तुम गीता को मानते हो, हम कुरान को मानते। तो पहले आपने बोला सर, इसकी बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये किसके लिए? आपको नहीं, ये किस देश का है? आप गीता के पहले किस देश का? आप गीता को मानते हो? मैं पहले संविधान मानता हूँ। पहले गीता को मानते? पहले संविधान। अरे तुम मानते हो? गीता नहीं, मैं कह रहा हूँ संविधान मानता हूँ। मैंने क्या बोला भाई साहब? आप पहले संविधान को सुनिए, सुनिए मुल्ला जी, ये संविधान को पहले मैं कुरान। भारत की नागरिकता लेके क्यों बैठे हो? कौन तुम? क्यों ले रहे हो फिर? पाकिस्तान क्यों जाए? पाकिस्तान पाकिस्तान जाओ। कुरान क्या बोला साथी? तो
कुरान। अरे संविधान हमने कह रहे हो संविधान सबसे पहले कुरान सबसे पहले हमारा कुरान पहले संविधान से पहले भी संविधान से पहले कुरान है संविधान और संविधान संविधान अलग चीज है कुरान अलग चीज है। हाँ तुम्हारा गीता अलग चीज है कुरान अलग चीज है। आधार कार्ड बना हुआ है से क्या मतलब है तुम्हारे नहीं तू मुझे घेरोगे ना मैं घेरूंगा नहीं। अरे तो मैं गिर जाऊंगा नहीं मतलब मैं 100 करोड़ों के नहीं गिरूंगा फिर करो। हाँ आधार कार्ड है तुम पत्र है सब कुछ है कुरान। हाँ एक बार भैया हेलो कुरान ने बनाया या आपके संविधान ने बनाया वो अलग चीज है वो अलग चीज है वो धर्म की चीज है वो धर्म की चीज है वो धर्म की चीज है अलग चीज है ये देश की चीज है। अच्छा देश हाँ, पहले नहीं है। हाँ देश के लिए देश पहले नहीं क्यों? है अच्छा देश पहले देश या कुरान क्यों देश पहले या कुरान मैं क्या कर रहा हूँ इस्लाम के लिए सबसे पहले कुरान है हम यहाँ भी बोल रहे हैं। ये देखो भैया क्या बोल रहे हैं सबसे पहले देश नहीं है पहले पहले देश के लिए नहीं बोला बात को मत घुमाओ अंदर की बात को आप देश में नहीं आते क्या देश में नहीं आते देश अलग चीज है धर्म की चीज अलग है ठीक है धर्म की चीज अलग सब धर्मों को मानना पड़ेगा क्या चीज सब मानते हैं आपने सवाल पूछा मुझसे आपके धर्म के जैसे आप गीता को पहले पूछते हो नहीं पूछते एक मिनट रुको भैया पहले संविधान या गीता पहले संविधान भैया मुल्ला जी पहले सुन लो पहले गीता या संविधान संविधान पहले गीता या संविधान पहले गीता या संविधान अरे कैसे करोगे ये भटकाने वाली बात है अरे यार कुछ भी हो जाए ये नहीं होंगे सगे किसी के क्या ये सगे किसी के मैं कल तो तुम नहीं हो तुम अपने आयदो भाई को क्या कह रहे हो हिंदू दुगला अरे क्यों बोल रहे हो दूसरे मजहब को मौका दे रहे हो जब अपने घर में ठीक करो अपने घर ठीक करो फिर दूसरे के ऊपर उंगली करो। हाँ इराक का क्या हो रहा है मोए मोए एक बात सुन लो पाकिस्तान जो है ना पाकिस्तान कहाँ से आ गए हमारा कितना कितना वो करा है पाकिस्तानों ने हाँ कितना करा है कुछ बताओ नुकसान करा नहीं करा करा नहीं करा अगर उनकी देश के अगर पाकिस्तान की बुरा हालत हो जाएगा ना हमारा हिंदुस्तान के सब ने उनको सपोर्ट करेगा अभी भी करेगा करेगा सपोर्ट पता है अभी इस देश में शरिया है या संविधान है क्या है भैया चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो तब भी सपोर्ट करेगा उनका क्यों करेगा उनकी हालत ऐसा होगी। गीता है या संविधान है संविधान है भाई ये कह रहे कुरान है कैसे कुरान है मैं किसने बोला झूठ मत बोलो कुरान किसने बोला झूठ बोला कुरान किसने बोला मैं आपने खुद बोला अभी आपने खुद बोला मोदी जी ये जितना मर्जी खा ले हमारे देश का मगर ये कुरान ही बोलेंगे ये सिर्फ की बात कर रहे हैं हम तो ये संविधान अलग हिंदू क्यों मानेगा इस्लाम हिंदू क्यों मानेगा कुरान क्यों हिंदू क्यों मानेगा हमने मानने बोला देश की बात कर रहे हैं मानने तो बोला देश की बात सुनो आप मुझे देश में क्या माना जाएगा देश में क्या माना देश में क्या माना जाएगा मुसलमान के लिए सबसे पहले कुरान है अभी तो बोल रहा हूँ।